शर्मा जी, ये फाइल सर को दे देना और बोलना कि मुझे अर्जेंट घर जाना पड़ रहा है, तो मैं उनको कल मिलता हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना सर? हाँ, सब कुछ ठीक है। वाह माँ, आज से तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। अरे क्यों बूढ़ी से मजाक कर रहे हो? अरे पंकज, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? अरे क्या हुआ पंकज? अरे क्या मैं अपनी माँ को गले नहीं लगा सकता? लगा सकते हो, पर तुम अपनी बीवी से नहीं कुछ छिपा सकते। अरे तुम ना पागल हो। हम पागल ही नहीं, महा पागल हैं। माँ जी, क्या हुआ बेटा? मेरा हार कहाँ गया? अरे मुझे क्या पता, देख लो घर में कहीं रखा होगा। पूरा दिन तो आप घर में रहती हैं, आपके अलावा तो कोई नहीं रहता, और एक एक करके मेरी चीजें गायब हो रही है कमरे से। कहाँ जाती है सब? अरे निधि बेटा, तुम कहने नहीं सकती कि मैंने तेरा हार चुराया। अरे बेटा, मैंने तेरा हार क्या करना है, कहाँ ले जाऊंगी उसको चुरा? क्यों, आपकी वो है ना लाडली बेटी, उसको पैसे की जरूरत होगी, तो वो तो आपके पास है नहीं, तो मेरा हार ही सही। शट अप निधि, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। ओ रियली? तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस करी? आइए आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, आइए। माँ, माँ तुम ठीक तो हो? निधि! नहीं बेटा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? और इन्हें शर्म नहीं आती मेरा सामान चोरी करते हुए? निधि, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, माँ चोरी नहीं कर सकती। अच्छा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी माँ है इसलिए? पूछो इनसे, पूछो, इन्होंने नहीं चुराया तो कहाँ गया मेरा हार? मुझे इनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बार खुद पे शक कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ पे नहीं। जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था, तब भी मेरी माँ हमें भूखे नहीं सोने देती थी, कैसे भी करके, कहीं से भी करके हमें खाना देती थी। तुम्हें पता भी है इन्होंने कैसे कैसे करके हमें पाला, कैसे भी करके, कहीं से भी करके हमें खाने को देती थी। पता है, माँ रसोई में बैठ के मुझे जबरदस्ती रोटियां खिलाती थी कि कहीं उनका बेटा भूखा ना सो जाए। वो रोटी के डिब्बे को ऐसी पीटती थी, बोलती थी खा ले बेटा रोटी, इसमें बहुत रोटी है, और मैं पेट दर्द का बहाना लगाकर आधा खाना खाकर ही उठ जाता था, और माँ बाद में वही खाना खा लेती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि डिब्बे में रोटी है ही नहीं। अगर आज तुम यहां पे खड़ी हो ना, तो इनकी वजह से, जिन्हें आज तुम गालियां दे रही हो। माँ ने तब मुझे झूठ नहीं बोला, आज तुम्हारे 2 टके के हार के लिए झूठ बोलेगी? मैं अपनी माँ के हर एहसास से वाकिफ हूं, इन्हें होठों से बोलने की कोई जरूरत नहीं, इनकी खामोशी मुझसे बात करती है। मगर आज के बाद तुमने मेरी माँ से इस लहजे से बात की, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता भी है। पता है, तुम जैसी औरतों की वजह से शादी के 2 साल बाद घरों में बंटवारा हो जाता है, सिर्फ तुम जैसी हो तुम।
तुम्हें रिश्तों का मतलब ही नहीं पता होगा तो तुम्हें इज्जत कहां से पता होगा। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुमसे शादी की। जिस बेटे को मैं हमेशा नादान समझती रही वो अपनी माँ को इतना अच्छे से जानता है। तूने बेटा होने का हर फर्ज निभाया। आधी रोटी छोड़कर तो कभी मेरे हाथों से रोटी खा। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, फिर पांचों उंगलियों को एक नजरिए से क्यों देखा जाता है। रही बात इस वीडियो की, ऐसे इल्जाम तो हम औरतों पर लगते ही आए हैं। इनसे हमें डर नहीं लगता, बस तकलीफ होती है। हम अपना सब कुछ समर्पित करके भी अर्धांगिनी नहीं बनती। हाँ, हो सकता है आपके जितना प्यार मैं माँ को ना दे सकूँ, आपके जितना ख्याल मैं माँ का ना रख सकूँ, लेकिन हमेशा मैंने एक बेटी बनकर अपनी माँ की सेवा करने की कोशिश की है। अरे निधि, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। बेटा हूँ ना, माँ की फिक्र होती है। तुझ में मैं हूँ और मुझ में तुम, हमारा तो सांसों का रिश्ता है ना। अरे बशर्मो, बूढ़ी की तो शर्म करो। इस घर में ना ही कोई बहू रहती है और ना ही कोई सास रहती है। इस घर में तो एक माँ और एक बेटी रहती है। दोनों एक दूसरे की जरूरत और पूरक है। अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी। बचपन से आप अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। अब मेरे और मेरी माँ के बीच में कोई नहीं आया। मैंने जरूर पुण्य का काम किए होंगे जो ऊपर वाले ने सबसे प्यारे नगीने मेरी झोली में डाल दिए। अब आखिरी सांस तक तू ही मेरा सहारा हो। अरे ऐसा नहीं कहते माँ। माँ में बच्चे और बच्चों में माँ हमेशा जिंदा रहती है।